नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी शानदार जोड़ी से जिनसे मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है। पर जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात होती थी तो हमेशा मुझे टाल जाते थे, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल जॉब किया करते थे, बहुत बड़े कॉरपोरेट में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, और अक्सर वो कहा करते थे दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। पर आज से 4 साल पहले जब वो इस इंडस्ट्री में आए, उनके क्या क्या सपने पूरे हो चुके और क्या क्या अचीवमेंट वो ले चुके हैं, ये हम जानेंगे उन्हीं से एक वीडियो के जरिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संजय है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। बाय क्वालिफिकेशन MBA कर रखा है मैंने। एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसमें शुरुआत से ही पढ़ाई पर बहुत जोर दिया जाता था। पढ़ाई की, अच्छे यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया है, कैंपस सिलेक्शन हुआ, नौकरी लगी, सब कुछ बढ़िया चलता रहा, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं ऐसा था कि कुछ कमी है। ज़रूरतें पूरी हो रही थी, सैलरी अच्छी थी, लेकिन सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। और कहा भी जाता है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। जब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पहली कंपनी से जो मेरे साथी रहे, कपिल जी, कपिल कौशिक जी, वो मेरी लाइफ में लेके आए मोदी केयर। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, कोई अच्छी चीज़ जब आपकी लाइफ में आती है तो आपको पहली बार में शायद समझ में नहीं आती। मुझे भी मोदी केयर को समझने में करीब 1.5 साल का समय लग गया था। कपिल जी आते और मैं हर बार उन्हें यही कहता था कि सर दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। 1.5 साल तक वेट करवाया, लेकिन ज़िंदगी में कुछ अच्छा होना था, मुझे मोदी केयर समझ में आया। 4 साल से मोदी केयर कर रहा हूँ और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो प्रीति जी अभी आपको बताएंगी, लेकिन मेरी अगर कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई मुझसे पूछता है तो वो ये है कि मैं अपने बच्चों के साथ उनका बचपन जी रहा हूँ। पहले ये होता था, शाम को जब थका हारा थोड़ा सा चिड़चिड़ा होकर जब मैं घर वापस आता था तो बच्चे मुझे देख के छुप जाते थे कि पापा आए हैं, गुस्से में होंगे, डांट देंगे, हो सकता है पिटाई भी कर दें, तो चुपचाप दूसरे कमरे में चले जाते थे और पढ़ने लग जाते थे। आज मेरे बच्चे कहीं जाने का प्रोग्राम हो, कहीं कुछ लेके आने का प्रोग्राम हो, कहीं भी कुछ खाने पीने का प्रोग्राम हो, अपनी मम्मी के बजाय मुझसे बात करते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देता हूँ कपिल जी का, क्योंकि वो भगवान का रूप बन के मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे मोदी केयर दिया। और भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे समझ में आया मोदी केयर और मैं अपने बच्चों के साथ उनका जो बचपन है वो एंजॉय कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो हर जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, वो सोच तो सकते हैं लेकिन इसको जी नहीं सकते। गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। नाम प्रीति सिंगल है, फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। बाय क्वालिफिकेशन एक MBA हूँ, MCA हूँ और एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। करीब 9 साल मैंने जॉब करी है, जिसमें से मैंने कुछ समय दिया यामा मोटर्स को और कुछ समय दिया मैंने VLCC को। लेकिन जॉब में एक ही चीज़ समझ में आई कि सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं, सपनों के तो कोई बात भी नहीं करता। भगवान का शुक्र करती हूँ कि मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म मिला। ये इवन इससे पहले कनाडा शिफ्ट होने का सोचा था, लेकिन फिर हम दोनों ने ये सोचा कि बाहर किसी और देश में जाकर नए लोगों के बीच में कुछ शुरू करने से अच्छा है क्यों ना अपने देश में अपने लोगों के बीच में काम शुरू किया जाए। और भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारी लाइफ में कपिल कौशिक सर और ममता कौशिक मैम आए और वो हमारी लाइफ में मोदी केयर लेकर आए, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मोदी केयर का सफ़र शुरू किया था आज से 4 साल पहले और बहुत छोटे छोटे चेंजेस आने शुरू हुए, जैसे कि एंड्रॉयड बदल गया आईफोन में। जो शॉपिंग मैं सोचती थी कि 6 महीने बाद करूं, वो तो अब मन मुताबिक करती हूं। मन करता है तो 15 दिन में करती हूं, मन करता है तो 10 दिन में करती हूं, और सोचना भी नहीं पड़ता कि क्या मैं इसे अभी लूं या नहीं लूं। उसके बाद दूसरी अचीवमेंट्स की बात करूं जो मोदी केयर ने दी, शुरुआत हुई थी इस सफ़र की 123 रुपये के चेक से, जो आज बदल गया है 3,36,000 रुपये में। साथ के साथ यहाँ से एक गाड़ी ले चुके हैं 10 लाख की, फोर्ड फिगो एस्पायर। साथ में यहाँ से 3 विदेश यात्राएं मिली हैं, घर यहाँ पर एक बुक करवा लिया है, यानी कि ज़िंदगी बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है। थैंक यू मोदी केयर, लव यू मोदी केयर।